बयानों की सियासत में उत्तर प्रदेश आज चर्चा में है, जहां फतेहपुर सीकरी में 7 मई को वोटिंग होनी है। उससे पहले आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो 3 बड़ी बातें कही। पहली बात, माफिया की कब्र पर जाने वाले वोट नहीं पाएंगे। दूसरी बात, राम मंदिर का विरोध करने वाले वोट को तरसेंगे। और तीसरी बात, अब की अयोध्या काशी के बाद ब्रज की बारी। जब आपको मौका मिला तब तो आपने कुछ किया नहीं, जब मौका मिला ये माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगा रहे थे ये लोग। कांग्रेस और सपा बसपा देख रहे हैं, ये सभी लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पड़ रहे हैं। इनको बोलो, इनको बोल दीजिए ये चुनाव से अच्छा वक्त नहीं। इनको बोलो कि जाओ, वोट तो कमल निशान को जाएगा, तुम लोगों को 5 साल की छुट्टी दे रहे हैं, फतिया पड़ो खूब। आपका दायित्व तो बनता है, आपका दायित्व तो बनता है। अगर आप विरासत का सम्मान करते हैं तो जिन लोगों ने राम और कृष्ण पर प्रश्न खड़े किए थे, आज उनको वोट के लिए तरसा दीजिए, एक भी वोट नहीं मिलेगा उनको। आपने रामनवमी के दिन देखा होगा भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ था, देखा ना। देखो, एक तरफ कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाजवादी पार्टी थी। राम जन्मभूमि के लिए हमसे कहते थे, क्या प्रमाण है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ, ये लोग बोलते थे। और इन दलों ने तब ये भी कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, जैसे कि इस सृष्टि के पहले कांग्रेस सपा और बसपा ही पैदा हो गए थे, बाकी तो कोई हुआ ही नहीं था, ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। बहनों और भाइयों, वो तो मोदी जी का प्रताप है, इनका झूठ फेल हो गया और मोदी जी के कारण 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में रामलला का फिर से प्रकटीकरण हो गया है। देखो, अयोध्या में रामलला का भी दर्शन करवा रहे हैं तो माफिया और अपराधी का राम नाम सत्य है भी करवा रहे हैं, दोनों काम एक साथ चल रहा है। ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, अब तो बारी आप ही की है, अब विकास के लिए आपको कोई तरसने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तो आगरा में भी आपका अपना एयरपोर्ट बन रहा है। आगरा भी गंगा जल का सेवन कर रहा है और हर घर नल की योजना भी लागू हो रही है।